हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीष। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर साइंस में, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, हमें एक चीज थोड़ा हमारे दिमाग में सवाल आना चाहिए कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ते हैं, या फिर ये टॉपिक का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में या डे टू डे लाइफ में कहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, सो ये टॉपिक पढ़ने से पहले या फिर समझने से पहले हम दो से तीन बेसिक टर्म्स देखेंगे जो कि जनरली हर बार इसमें केमिकल रिएक्शन हमको पढ़ने के लिए आते हैं। जैसे पहला टर्म है हमारे पास, दैट इज केमिकल चेंज। ओके, सो जैसा आप देख सकते हैं, सभी को यहां पे दिख रहा होगा मैंने लिखा है केमिकल चेंज। सो केमिकल चेंज क्या होता है, कैसे पता चलता हुआ है या फिर कहां देखने को मिलता है, तो वो धीरे धीरे करके हम इसको समझेंगे। ठीक, सबसे पहले मैं बात करता हूं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है, एक प्रोसेस है। ओके, एक प्रोसेस है जिसमें वन और मोर न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। ओके, जैसा आप देख सकते हैं सभी को दिख रहा होगा यहां पर मैंने लिखा है वन और मोर न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। सो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म। कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो उसको समझने के लिए हम एक या दो एग्जांपल यहां पर देखेंगे। ओके, सो पहला एग्जांपल लाइक वुड। ओके, लकड़ी हमने सभी ने देखा है। ओके, तो वुड क्या होता है, बर्न करते हैं जब हम उसको, जब हम जलाते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एश में। ओके, वुड After burning, converted to ash. Okay? So, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, वुड जो कि एक सॉलिड है, कन्वर्ट होने के बाद यानी ash में कन्वर्ट होने के बाद वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक irreversible process भी कहलाता है। Okay? एक irreversible process है, यानी कि वो रिवर्स नहीं हो सकता। सिंपल, आपको भी दिखी रहा होगा, हम सबको मालूम है कि अगर एक बार लकड़ी ऐश में कन्वर्ट हो गई, राख में बदल गया, तो उसको हम वापस उस प्रोसेस में नहीं ला सकते। इसीलिए हम केमिकल चेंज को इरिवर्सिबल प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन? तो आई होप सबको ये चीज पता चली होगी। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा टर्म आता है फिजिकल चेंज। ओके, तो यहां पर हम समझेंगे अभी सेकंड टर्म जो केमिकल रिएक्शन में हमको पढ़ने के लिए आता है। तो अभी आप लोग पूछ रहे होंगे कि भाई ये दो टर्म्स क्यों पढ़ने पड़ते हैं। तो जब भी हम केमिकल रिएक्शन टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हमको ये दो टर्म्स हमेशा समझने पड़ते हैं, या फिर आप केमिस्ट्री भी पढ़ोगे चाहे हायर स्टडीज में, तो भी ये दोनों चीजें तो आएंगी। ओके, नेक्स्ट, दैट इज फिजिकल चेंज। ओके, अगेन जैसा हमने वहां पहले देखा था केमिकल, सेम इसी चीज प्रोसेस को भी हम समझेंगे। तो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। ओके, कैसा प्रोसेस, जिसमें स्टेट या फिर कलर चेंज हो रहा हूं, ध्यान से सुनना, स्टेट और कलर। ओके, फाइन, फिजिकल चेंज एक प्रोसेस है जिसमें सिर्फ स्टेट या फिर कलर चेंज हो रहा हो। ओके, यहां पर केमिकल चेंज की तरह नए प्रोडक्ट फॉर्म होना या ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलती है। ओके, एग्जांपल में जैसे अगर मैं बात करूं, ओके, आइस, हम सबको मालूम है आइस क्या होता है, एक सॉलिड होता है। ओके, लेकिन जब आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हो, ओके, रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद वो वॉटर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा आप यहां देख सकते हो, दोनों का स्टेट अलग है, ये सॉलिड है और ये कन्वर्ट होने के बाद बन जाता है लिक्विड। ओके, क्लियर? तो अभी ये जो वाटर है, एक बार जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, तो ये वापस यहां से हम इसको आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ये प्रोसेस घूम के यहां वापस आ सकती है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी कहलाती है। ओके, क्लियर एवरीवन? तो ये दो चीजें हैं, जैसे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये दो प्रोसेस हमको एग्जाम में या फिर आप चाहे कोई भी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखने जाओगे तो ये दोनों टॉपिक तो आएंगे ही डेफिनेटली। तो इसलिए ये दोनों टॉपिक को हमको समझना जरूरी है। ओके, आई होप सबको पता चला होगा फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। ओके,
ओके सो केमिकल रिएक्शन क्या होता है अगेन यहाँ पर हम इसके बारे में 203 चीजों को समझेंगे। पहला तो वो होता क्या है, क्यों पढ़ना होता है और कैसे पता चलता है। फाइन, सबसे पहले अ प्रोसेस इन विच वन और मोर न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। फाइन, सो बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें एक या नए प्रोडक्ट बनते हो। ओके फाइन, उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ओके अब वो जो रिएक्टेंट है वो एक दो मल्टीपल भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी मल्टीपल होता है, ऐसा फिक्स नहीं होता है कि एक यहाँ पर अगर एक ही रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट भी एक होगा, ऐसा नहीं होता है। फाइन, यहाँ पर अब हम दूसरी चीज देखेंगे या समझेंगे कि क्यों हमको केमिकल रिएक्शन पढ़ना होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट या व्हाई नीड टू स्टडी दिस। तो उस वो हमें पढ़ना होता है टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके फाइन, सो हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अभी मैटर जो टॉपिक है वो ऑलरेडी आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। ओके मैटर क्या होता है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स होता है, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। फाइन, तो एक केमिकल रिएक्शन में चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज को समझना, प्रॉपर्टीज कैसी, केमिकल फिजिकल। ओके फाइन, तो ये जो चीज हुई यहाँ पर हुआ कि भाई क्या होता है केमिकल रिएक्शन और हमें क्यों पढ़ना होता है केमिकल रिएक्शन। फाइन, अब तीसरी चीज पे हम आते हैं, हम बात करेंगे कि पता कैसे चलता है कि भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके सो वो डिपेंड करता है आपके 3 से 4 फैक्टर्स पे। ओके सो वो डिपेंड करेगा आपके 3 से 4 फैक्टर्स पे। फैक्टर्स कैसे होंगे, यहां पर हम बात करेंगे फैक्टर्स पे। पहला क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा स्टेट और कलर इज चेंज। तीसरा टेम्परेचर। ओके फाइन, सो ये 2 से 3 फैक्टर्स हैं जो हमें ये बताएंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ है। जैसा पहला आप देख रहे हो इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा आप देख सकते हो स्टेट और कलर इज चेंज, और तीसरा टेम्परेचर। तो ये जो 3 फैक्टर्स है इन्हीं से हमें पता चलेगा कि भाई ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, उस चीज को समझने के लिए आप एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। फाइन, जैसे मैं बात करता हूं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ओके विल गिव यू, यहां पर मैं लिखता हूं नीचे कार्बन डाइऑक्साइड। ओके तो ये एक चीज हम एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर रहे हैं। अब ये है एक केमिकल रिएक्शन जो कि कंबशन रिएक्शन है। जब भी आप देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो गैस इवॉल्व होती है, फ्लेम देखने को हमको मिलता है। फाइन, स्टेट और कलर भी चेंज होता है। कार्बन ऑक्सीजन दोनों अपना स्टेट चेंज कर देते हैं, कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होता है, तो दोनों का स्टेट भी चेंज होता है। तीसरी चीज टेम्परेचर, तो जब भी आपने देखा होगा कंबशन रिएक्शन परफॉर्म होता है तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ता है, इग्निशन होता है। ओके तो ये जो 2 से 3 चीजें थी जो हमको ये बताते हैं कि व्हाई केमिकल रिएक्शन और व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाई वी नीड टू स्टडी इट। फाइन, तो ये जो चीजें आपने भी यहाँ पर देखी, आई होप सबको समझ में आया होगा कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है एंड केमिकल रिएक्शन क्या होता है। फाइन, ओके इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा दैट इज केमिकल रिएक्शन, और वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ओके सो आप लोग भी इसको टॉपिक को दोबारा एक बार स्टार्टिंग से पढ़ लीजिएगा, जो भी आपको डाउट है वो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।